अच्छा दोस्तों, अपने मेन चैनल अजीम का ज्ञान के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अगर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नॉर्मल वर्क करते हैं या ऑर्गेनिक वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी से 4000 घंटे का उस टाइम 1000 सब्सक्राइबर्स लेते हैं, तो दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल कभी कभी, या ये कह लीजिए ज़्यादातर कंडीशन में, अटक जाता है। रीयूज़ कंटेंट करके यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वाले इसको वापस कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको 28 दिन के बाद में, जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे किसी से परचेज करने के बाद में अलग से, तो आपको उस चैनल को 28 दिन के बाद में अप्लाई करना चाहिए, जब से आपने उसकी वीडियो को डिलीट किया है। मतलब आपने मान लो उस चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस थी, उनको डिलीट कर दिया था, तो उसको डिलीट किए हुए 28 दिन हो जाने चाहिए, तब जाकर आप अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, वरना रीयूज कंटेंट पक्का आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा था कि अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल को अप्लाई करता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल भी कैंसिल हो जाएगा मोनेटाइजेशन से, मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे जब वो अप्लाई करना है, जब मैंने वीडियो को डिलीट किया था, पुरानी वीडियोज़ को जो रीयूज थी, उस डिलीटेड डेट से 28 दिन के बाद में उसको अप्लाई करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं एक एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जैसे मेरा ये यूट्यूब चैनल है, और मैं आपको दिखा देता हूँ सारा सब कुछ, मैंने इस यूट्यूब चैनल के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं, और किस तरह से 4000 घंटे मैंने 4 दिन के अंदर कंप्लीट किए वो भी आपको मैंने बताया था। तो अब यहाँ थोड़ा सा एनालिटिक्स के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर 4400 घंटे का वॉच टाइम इसके ऊपर आ चुका है। और दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, कंटेंट्स में जाता हूँ, कंटेंट में जाने के बाद में यहाँ पर एक ही वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, एक ही वीडियो 2116 व्यूज़ हैं। और यहाँ पर अगर मैं एनालिटिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर पूरा 4200 घंटे शो हो रहा है। अब सीधा चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको दिखाई दिया कि वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक ही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई लाइव स्ट्रीमिंग है, और सिर्फ एक ही वीडियो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर कि यहाँ पर इस YouTube चैनल का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ मैं अभी अप्लाई करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ दोस्तों। ऐसा मुझे लगता था और लगता भी है कि आप अगर अपने YouTube चैनल के ऊपर आपने कोई वीडियो अपलोड कर रखी है, उसके ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं, और आप 2 घंटे या घंटे की वीडियो डालकर उसको कंप्लीट उसका क्राइटेरिया कर लेते हो, तो उसको आपको उसी टाइम पे अप्लाई नहीं करना चाहिए मोनेटाइजेशन के लिए। आपको करना चाहिए जैसे आपने 1 तारीख में अपनी वीडियो को डिलीट किया होगा उस चैनल के ऊपर से, और पूरे 28 दिन जब हो जाते हैं आपकी डिलीटेड वीडियो को आपके चैनल से जाए हुए, तो दोस्तों आपको तभी अप्लाई करना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, फिर भी एक्सपीरियंस के लिए मैं चैनल को अप्लाई कर रहा हूँ, देखता हूँ रीयूज कॉन्टेंट भी आता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरी अपनी खुद की वीडियो है यहाँ पर, ये ना तो इसके अंदर कोई म्यूज़िक है। यहाँ पर मैंने YouTube के बारे में बताया है, मतलब कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, तो ये बेसिकली मेरा ही कंटेंट है 101%, ठीक है। अब मैं मोनेटाइजेशन सेक्शन में जाकर सिंपली इसको अप्लाई कर देता हूँ, क्राइटेरिया कंप्लीट है, ये सारे स्टेप्स हैं सारे मैं यहाँ पर फॉलो कर चुका हूँ। तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, स्टेप 1 पे जाता हूँ। स्टेप 1 पे जाने के बाद में काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं, इसको पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ से मैं इसको आई एक्सेप्ट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट टर्म्स, ठीक है, ये सारी टर्म्स मैंने देख ली है, और इसको वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। ओके, स्टेप 1 तो आपके भाई का डन हो चुका है, देखिए स्टेप 1 डन, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 कंडीशन और पूरी करनी होती है, ये होती है एडसेंस वाली, मतलब गूगल एडसेंस वाली, ये आपका चैनल जब अंडर रिव्यू में जाता है स्टैम्पिंग के लिए, ये 3rd तब होता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपली गूगल एडसेंस वाला काम भी कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपके पास में कोई ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, तो मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई पुराना एडसेंस अकाउंट लगाना है अपना, मतलब इससे कनेक्ट करना है अदर यूट्यूब चैनल का, तो यहाँ पर मैं यस कर दूंगा, बट मैं यहाँ पर नो करने वाला हूँ, नो आई डोंट हैव एक्साइटिंग अकाउंट, मेरे पास कोई अकाउंट है नहीं, ऐसा मैं बोल देता हूँ और सिंपली इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एडसेंस अकाउंट बनाया था, और उस एडसेंस को मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल से, ठीक है, सारा आपके सामने हो रहा है प्रैक्टिकल, आप ध्यान से रखें, फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे तो आपके साथ भी ये सब हो सकता है। तो बाकी मैंने एड्रेस वगैरह मेंशन कर रखा है अच्छे से करके एडसेंस अकाउंट के अंदर, तो सिंपली यहाँ पर आपको सारी ये देख लेनी है कंडीशन क्या है, URL ऑलरेडी इसने ले लिया है, एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक करता हूँ।
अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मतलब ये YouTube चैनल मेरा ले गया है मुझे एडसन्स अकाउंट के ऊपर। फिर से मैं इसको सबमिट करता हूँ और अब यहाँ पर आ रहा है रीडायरेक्ट। वैसे तो इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक अगर हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बात है। ओके, अभी मैंने इसको कर दिया है YouTube चैनल से एक्सेस, यानी अपने एडसन्स अकाउंट को, तो इसको चलने देते हैं, थोड़ा सा इसके लिए वेट करना होता है। ओके, तो अब यहाँ पर सेकंड स्टेप आप समझ लीजिए, स्टेप टू। स्टेप वन हमारा ऑलरेडी डन हो चुका है यहाँ से, और स्टेप टू इन प्रोग्रेस चला गया है। अभी हमें कुछ टाइम रुकना पड़ेगा, मतलब 10-12 घंटे के आसपास। उसके बाद में यहाँ पर जीमेल पे एक मैसेज मिलता है दोस्तों, एक मैसेज हमें आएगा यहाँ पर जीमेल के अंदर के लिए, वेरिफिकेशन के लिए गया है फिलहाल अभी, ठीक है। अभी ये गया है वेरिफिकेशन के लिए, जब सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, और उसके बाद में हमारा चैनल जाएगा अंडर रिव्यू के लिए। फिलहाल ये इन प्रोग्रेस है, यानी एडसन्स अकाउंट हमारा वेरिफिकेशन के लिए गया है। जब एडसन्स अकाउंट वेरीफाई होकर आ जाएगा फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा, और फिलहाल अभी मैं 10-12 घंटे का यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, फाइनली मेरे पास में मैसेज आ ही जाएगा। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से ओपन किया है। फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में। अब यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर स्टेप वन मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब मैं आपको स्टेप टू का कंडीशन दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पर मैं जाता हूँ मोनेटाइजेशन सेक्शन में, अब इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइनली वेरी वेरी सक्सेसफुल मेरा स्टेप टू भी यहाँ पर डन हो चुका है, और ये काम हुआ है पूरा 24 घंटे के बाद में, मतलब 24 आवर्स में। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ स्टेप वन डन है यहाँ पर 4000 घंटे का वो टाइम, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद में स्टेप वन डन जाता है। स्टेप टू में आपको तब डन करना पड़ता है जब ये इसके अंदर आप अपना एडसन्स अकाउंट कनेक्ट कर देते हैं और फाइनली इसको आप वेरीफाई करा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल लिंक्ड एन एडसन्स अकाउंट, मतलब हमने अपने एडसन्स अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से सक्सेसफुली लिंक्ड कर लिया है। तो मिलते हैं अब यहाँ पर 3 स्टेप के बाद में। अभी स्टेप 3 में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी अंडर रिव्यू के लिए आपके भाई का चैनल फाइनली यहाँ से जा चुका है। अब देखते हैं कितने टाइम के बाद में आपके भाई का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो पाता है। ओके दोस्तों, तो फिलहाल वेट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल को दोबारा से ओपन किया है। फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में। अब YouTube स्टूडियो में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर स्टेप वन मैंने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब मैं आपको स्टेप टू का कंडीशन दिखाता हूँ कि क्या है। यहाँ पर मैं जाता हूँ मोनेटाइजेशन सेक्शन में, अब इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइनली वेरी वेरी सक्सेसफुल मेरा स्टेप टू भी यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल लिंक्ड एन एडसन्स अकाउंट, मतलब हमने अपने एडसन्स अकाउंट को अपने यूट्यूब चैनल से सक्सेसफुली लिंक्ड कर लिया है। तो मिलते हैं अब यहाँ पर 3 स्टेप के बाद में। अभी स्टेप 3 में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी अंडर रिव्यू के लिए आपके भाई का चैनल फाइनली यहाँ से जा चुका है। अब देखते हैं कितने टाइम के बाद में आपके भाई का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो पाता है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल को अंडर रिव्यू में भेजा था, और फाइनली उसका जो रिज़ल्ट आया है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंपली मैं चैनल के ऊपर क्लिक करता हूँ और जाता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सारी रिपोर्ट मिल जाएगी कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। उसके लिए आप यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा चैनल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ने एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनेटाइज नॉट अप्रूव्ड, और ये आप देख सकते हैं अगस्त 22, 2022। और दोस्तों 18 तारीख में मैंने अपने चैनल को अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, और दोस्तों उसके ऊपर फिर फाइनली मेरा रीयूज कंटेंट करके वापस कर दिया गया। मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिखाता हूँ पूरा प्रूफ, आप देख सकते हैं रीयूज कंटेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर उन्होंने मुझे बोला है कि आपको यहाँ पर एक अपील वीडियो अपलोड करनी है, और उस वीडियो को आपको उसका URL बनाकर यहाँ पर पर्सनली उसको आपको अपने पास में अनलिस्ट करके रखना है, और हमें पर्सनली दिखाना है वो वीडियो अपलोड करके कि हम आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज क्यों करें। यूट्यूब इस चीज़ को पूछता है। तो बेसिकली ये तो मैं इसको अप्लाई करूँगा 12 सितंबर को, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मिला है मेरे चैनल को री अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 21 सितंबर, ठीक है 21 सितंबर में मुझे इसको री अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ।
सबसे पहले आप यहाँ पर क्राइटेरिया देख सकते हैं, सभी कुछ कंप्लीट है। 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1200 कुछ सब्सक्राइबर और दोस्तों स्टेप टू और जीरो कम्युनिटी यहाँ पर थी। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कॉन्टेंट में जाकर, कॉन्टेंट में मेरा वही कॉन्टेंट यहाँ पर अपलोड है। देखिए 2 घंटे की वीडियो मैंने यहाँ पर बेसिकली आप जानते हैं बनाई थी, और वीडियो के अंदर मैंने कोई भी कॉपी राइटेड मटेरियल यूज़ नहीं किया है, ना ही तो कोई म्यूज़िक, ना ही कोई गाना, ना ही कोई सॉन्ग, कुछ भी यूज़ नहीं किया। फिर भी यूट्यूब ने रीयूज़ कंटेंट बनाकर इसको वापस कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई और रीज़न होता ही नहीं है ये बताने का कि आपका यूट्यूब चैनल हम किस लिए रिजेक्ट कर रहे हैं मोनेटाइजेशन से। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4000 घंटे का वो उस टाइम कंप्लीट कर लिया था और इसमें 2000 प्लस से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, और दोस्तों फिर भी YouTube ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। मोनेटाइजेशन सेक्शन में आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा दोबारा से। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मेरी एक ही वीडियो है, वो 2 घंटे की है, 2 घंटे 56 सेकंड की, और इस पर मैंने कोई भी रीयूज़ कंटेंट अप्लाई नहीं किया है। तो फाइनली आपके भाई का YouTube चैनल रिजेक्ट हो चुका है। इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, डिटेल में ये बताऊंगा, जब हम अपने चैनल के ऊपर अपनी ही वीडियो को यूज़ करते हैं और उसके अंदर चाहे वो हमने 1 घंटे की बनाई है, 2 घंटे की बनाई है, 4 घंटे की बनाई है, कुछ भी, सारा कॉन्टेंट हमारा ही है, कोई हमने म्यूज़िक नहीं लिया, सॉन्ग नहीं लिया, सब कुछ हमारा है, फिर भी YouTube हमें reuse content क्यों देता है। इसके बारे में बहुत जल्दी डिटेल में वीडियो आने वाली है कि ये सभी के साथ में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों फाइनली कंप्लीट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखा दिया है कि मैंने किस तरह से अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वो स्टेम सिर्फ 4 दिन के अंदर कंप्लीट किया था। उसके बाद में मैंने अपने चैनल को स्टेप 2 के लिए भेजा, वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बाद में जैसे ही मैंने मोनेटाइजेशन के लिए इसको अप्लाई किया, उसके बाद में मेरा चैनल फाइनली रिजेक्ट हो गया। तो ये सारा ट्यूटोरियल जानने के लिए, सारी बिग डिटेल जानने के लिए कि एक्चुअल में कि सबके साथ ऐसा ही क्यों होता है, जो लोग अपनी वीडियो डालकर अपने चैनल के ऊपर 2 घंटे की 1 घंटे की वीडियो डालकर 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा क्राइटेरिया कर लेते हैं, उसके बाद में अपने चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं, तो YouTube उसको रिजेक्ट क्यों करता है। सारी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि क्या किन प्रॉब्लम से हमारा कॉन्टेंट होने के बावजूद भी YouTube हमें रीयूज कॉन्टेंट बोल के हमारे चैनल को कैंसल क्यों कर देता है मोनेटाइजेशन से।